ट्विन बैरल साइलेंसर मिल रहा है जो कि डुअल टोन कलर में है। ये आप बजाज की जो नई वाली बाइक आई है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है इसका, मैं बात कर रहा हूँ F250 का। इसका रेट पर मैंने बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, काफ़ी अच्छा लगा था आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि दूसरा जो कलर है, इसमें दो कलर आते हैं, एक रेसिंग रेड आता है और दूसरा एक ग्रे कलर का आता है ग्लॉसी ग्रे में। तो मैंने सोचा कि दूसरा कलर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, और दूसरा कलर दिखाने के साथ साथ फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोगों का फिर अपने हिसाब से अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि आप लोगों को ग्रे लेना चाहिए या रेड लेना चाहिए। बाइक दोनों अपने आप में खूबसूरत हैं, लेकिन कलर के हिसाब से क्या हर एक आदमी का अपना अपना चॉइस होता है। तो अपने चॉइस को आप और अच्छा क्लियर विजन दे पाएंगे इस वीडियो को देखकर कि आपको रेड लेना चाहिए या ग्रे लेना चाहिए। और जिन लोगों ने रेड नहीं देखा है वो रेड वाला जाकर देख लें F250 का, और मैं ग्रे अभी शुरू करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो इस बाइक में मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका डिटेलिंग शुरू करता हूँ। तो इस बाइक का सबसे पहले जो मडगार्ड है, मुझे ये काफ़ी अच्छा अपील किया था। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पीछे के साइड में ये मैट फिनिश में मिल रहा है, जबकि फ्रंट में आपको ये ग्लॉसी ग्रे मिल रहा है, और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा स्टिकर वर्क देखने के लिए मिल जाता है डार्क ग्रे एंड व्हाइट रेड का। ये ट्रिपल टोन कलर में इसका ये ग्राफिक वर्क देखने के लिए मिल जा रहा है। और दूसरा जो ये है, इसके फेयरिंग में जो आपको ये मैट ब्लैक कलर से आपको ये नेट का जो डिजाइन मिलता है, ये काफ़ी अच्छा फीलिंग हो जा रहा है, दोनों साइड में मिल रहा है। तो जो रेस है, रेस फील जो है वो आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो जाता है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और तीसरा पॉइंट जो ग्राफिक का है, यहाँ पर जो इसके फ्यूल टैंक पर जो इसका ये स्टिकिंग वर्क है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा था। इसमें कम्प्लीटली जो इसका एज है उसको मोल्ड कर दिया गया है, इसमें कम्प्लीटली स्टिक कर दिया गया है, तो इस स्टिकर के निकलने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इस पर लग रहा है। और इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको ये काफ़ी अच्छा खूबसूरती से ग्रे कलर के ऊपर ही आपको ये डार्क ग्रे कलर से ये आपको स्टिकर वर्क यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद जो एक और स्टिकर वर्क है यहाँ पर इसके विंड वाइजर पर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, दोनों साइड में डॉटेड स्ट्रक्चर ये देखने के लिए मिल जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे काफ़ी अपीलिंग लगे थे, मैंने वो आप लोगों को बता दिया। तो इस बाइक का पहले एक 360 डिग्री व्यू देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसके डिटेलिंग पर आते हैं। फ्रंट से बाइक कुछ इस तरह से दिखती है, ये सेमी फेयरिंग बाइक है, सेमी फेयरिंग स्पोर्ट बाइक है, तो काफ़ी अच्छी मस्कुलर दमदार और अपीलिंग बाइक लग रही है। और इसका जो इंजन है ये आप देखिए, थोड़ा सा आपको ये गोल्डन कलर में मिल रहा है, तो थोड़ा सा ये अलग ही उभर कर आ रहा है। और राइट साइड से कुछ इस तरह से इसका अपीयरेंस हो जा रहा है। और हम बात करें अभी टेल सेक्शन का, तो टेल सेक्शन कुछ इस तरह से आपको इसमें दिखता है, इसके मेन बॉडी से थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्क यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। और लेफ्ट साइड से कुछ ऐसी ये बाइक दिखती है। तो इस बाइक का ओवरऑल लुक देखने के बाद हम बात करें इसके फीचर्स का, इसके सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक लॉन्ग इसमें विंड वाइजर मिल जा रहा है जो कि राइडर को एक कंफर्टेबल राइड देता है, डस्ट हवा वगैरह के स्पीड से राइडर को ये सेफ रखता है। और इसका एज कटिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो हेडलैम्प है, इसमें आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिल जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो विजिबिलिटी है लो विजिबिलिटी एरिया में वो काफ़ी अच्छा दमदार होने वाला है। ग्रे एंड मैट ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। इसके इंडिकेटर पर भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है, आपको मॉडर्न एज का इसमें आपको कटिंग देखने के लिए मिलेगा इसके इंडिकेटर में, और काफ़ी स्लीक डिजाइन में इसका ये इंडिकेटर LED लाइट के साथ में ये मिलता है। तो हम बात करें इसके सस्पेंशन का, तो इसमें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, जबकि रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। सस्पेंशन किसी भी व्हीकल का काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको सडनली जब ब्रेक अप्लाई करते हैं या खड्डा आ जाता है या रोड ब्रेकर्स आते हैं, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपके बैक मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है, रिस्ट के ऊपर प्रेशर आता है, तो इंजरी वगैरह जो है उससे बचाने के लिए सस्पेंशन का अच्छा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको आपने देखा काफ़ी अच्छा सस्पेंशन मिल रहा है। अब हम बात करें ब्रेकिंग सिस्टम का, सडनली यदि आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका ब्रेक कितना अच्छा काम करने वाला है। फ्रंट में आपको 300 mm साइज का डिस्क ब्रेक मिल जा रहा है, जबकि रियर में आपको 130 साइज के mm का डिस्क ब्रेक मिल जा रहा है। इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, तो डुअल डिस्क हो गया, सिंगल चैनल ABS हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ब्रेक है वो काफ़ी अच्छा हो गया, तो किसी भी सरफेस पर आप अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपका काम करने वाला है, स्पीड वगैरह में भी आपको अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। अब हम बात करें इसके टायर का, इसमें आगे और पीछे दोनों में ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। फ्रंट टायर का साइज आपको 100/80 का मिलता है, जबकि रियर टायर इसका वाइड हो जा रहा है, तो आपका जो स्टेबिलिटी है बाइक का, जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा हो जाने वाला है। रियर टायर का साइज आपको 130/70 का मिल जाता है। हम बात करें इसके फेयरिंग का, तो कुछ इस तरह से फ्रंट टायर से लगते हुए फ्रंट तक एक पूरा फुल फेयरिंग इसका हो जाता है।
और इसके दोनों फेयरिंग पर आपको ये पल्सर का 3D लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। और इस पर आपको ट्रिपल टोन कलर में ये ग्राफिक्स मिलता है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ग्रे कलर के ऊपर आपको सिल्वर एंड रेड कलर का ये जो वर्क है, और कंपनी की तरफ से इनबिल्ट इसमें आपको ये लेग गार्ड मिल जा रहा है जो कि छोटा सा है लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए इनफ हो जाता है। और अंडर काउल आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रंट में वेंटिलेटेड डिजाइन के साथ में आपको ये पॉइंटेड इसका अंडर काउल मिल जाता है। ये राइडर के लिए कुशन के साथ में ये फुटरेस्ट हो गया और राइट साइड में ये ब्रेक पैड हो गया। और इसका जो साइलेंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्विन बैरल साइलेंसर मिल रहा है जो कि डुअल टोन कलर में है। ये आपको सिल्वर एंड ब्लैक कलर में ये मिल रहा है, और सिल्वर कलर में आपको मेटेलिक दोनों साइड में फुटरेस्ट मिल जा रहा है प्लेन राइडर के लिए। अब हम बात करें दूसरा कंफर्ट को लेकर, तो यहाँ पर सीट पर देखिए आपको सेफ फ्री लेदर के फॉर्म में जैसे ये आपको लग रहा है ये इसकी आउटर कवरिंग दी गई है इसके सीट का। और सीट का जो एज कटिंग है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है और कम्फर्ट को ध्यान में रखते हुए भी काफ़ी आरामदायक हो जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से आपका लेग ग्रिप यहाँ पर बन जाएगा, थाइस का जो रीच है, और यहाँ पर आपको हिप के लिए काफ़ी वाइडर एरिया मिल जा रहा है, और यहाँ पर पिलन राइडर के लिए कट के साथ में दिया गया है। तो इसका एडवांटेज ये हो रहा है कि जो हीट का सर्कुलेशन है सीट पर वो होता रहेगा, लॉन्ग राइड में भी आपको कहीं से परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करें इसके टेल लैंप का, तो कुछ इस तरह से आपको इसमें डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा इसमें, जिसमें LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है और विदाउट लाइट भी इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से इनबिल्ट एक मैट फिनिश में साड़ी गार्ड मिल जाता है साड़ी और दुपट्टा वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है इसमें साइड स्टैंड सेंसर दिया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको आपको ऊपर करना पड़ेगा। जल्दबाजी में भी यदि आप लेकर जाते हैं सिंगल स्टैंड पर खड़े किए हैं तो आप बाइक को आगे नहीं ले जा पाएंगे, तो सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये बाइक आपको 6-speed गियर बॉक्स के साथ में आती है, 1 down 5 up। तो ये सब कुछ अरेंजमेंट था इस बाइक के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन का। इस बाइक में आपको 249.07 cc का सिंगल सिलेंडर 4 stroke 2 valve ऑयल कूल्ड SOSC इंजन मिल जाता है, जिसका मैक्सिमम पावर आपको 24.5 PS एट 8750 RPM पर मिलता है, और इसका मैक्स टॉर्क आपको 21.5 Nm एट 6500 RPM पर मिलता है। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं इसके डायमेंशन का। तो इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm का मिलता है, और इसका व्हील बेस 1351 mm का है, सीट हाइट 795 mm का है, और इसका जो कर्व वेट है वो है आपको 164 kg फेयरिंग वाले बाइक का बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फ्रंट काउल पर ही आपको 2 point एडजस्टेबल इसमें आपको रियर व्यू मिरर मिल जा रहा है जो कि काफ़ी मॉडर्न डिजाइन के साथ में इसको करा। इसका ओवरऑल व्यू देखने के बाद मैं आप लोगों को इसका मेटल कंसोल दिखा देता हूं। तो इसको मैं ऑन कर रहा हूं, ऑन करने के बाद आपको इसमें ये सारा कुछ मिल जाता है। तो बजाज का एक अपना थीम है ये, एक्चुअली दिखना चाहिए, काफ़ी मज़ा आता है जब आप स्पीड में जाते हैं तो ये RPM शो करने के लिए। यहाँ पर आपको डिजिटल में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पर मिल रहा है, टाइम मिल जाता है, फ्यूल गेज, यहाँ ओडोमीटर और यहाँ पर स्पीडोमीटर, ये सब मिल जाता है। और इंजन के माल फंक्शनिंग को शो करने के लिए यहाँ पर ABS इंडिकेटर, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके मीटर कंसोल में मिल रहा है, जो कि इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, और वो कैरी करिए अपने मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हैं, यदि घर पर नहीं किए ऑफिस में भूल गए तो आपको आसान होगा, और कहीं ट्रिप वगैरह पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बात करें हम इसके स्विचेस का, तो लेफ्ट हैंडल बार पर आपको ये 4 switch मिल जा रहा है, पासिंग लाइट का, अपर एंड डिपर, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर और ये हॉर्न का। और राइट हैंडल बार पर आपको ये 2 switch मिल जाता है, किल स्विच मिल जा रहा है, यहाँ पर स्टार्ट स्विच मिल जा रहा है, और इसका जो हैंडल है वो आपको स्प्लिट में मिल रहा है, जबकि इसका जो नेकेड स्पोर्ट्स वर्जन है उसमें आपको सिंगल इसका हैंडल बार मिल जाता है। तो ये सब डिटेल था इस बाइक के बारे में किया गया है, तो ये सारा डिटेल था इस बाइक के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस, माइलेज, कलर का। तो यहाँ के जो मैनेजर है हमारे नील भाई, उसको हम मैं इन्वाइट करता हूँ अपने वीडियो में और उनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नील भाई, हमने तो इसका रेड वाला बनाया था, आप उसमें आए थे, तो अभी हमने सोचा कि ग्रे वाला भी लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें, तो इसके लिए फिर से वही हम लोग बात करेंगे। इसका कलर तो दो ही है, सब लोगों को पता है, तो उसमें कलर की बात नहीं करते हैं। अब इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी, ये आपको सर 30 liter full tank कैपेसिटी है। अच्छा, अभी बाइक तो काफ़ी बिक गई होगी। जी हाँ, अभी स्टार्ट हो गई है, हम लोगों ने डिलीवरी दी हुई है और इसका जो बुकिंग भी आ रही है, जो कस्टमर के रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसको लेकर काफ़ी अच्छा है। तो कस्टमर का क्या फीडबैक आ रहा है? अभी सर नई गाड़ी है, कस्टमर अभी हम लोग 25-30 गाड़ी बेची हुई है, तो अभी जो अभी 10 दिन के अंदर जो कस्टमर के रिस्पॉन्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं निकला हुआ, जो भी फीडबैक आ रहे हैं पॉजिटिव। अच्छा,
अच्छा, इसका स्पीड वगैरह कैसा है? पिकअप वगैरह कैसा? पिकअप वगैरह भी अच्छा है, टॉप स्पीड अपनी कोई 145-150 तक टच कर जाती है, ठीक है, और एवरेज भी अच्छी आ रही है। 20 कस्टमर मैंने लेके गए, गाड़ी बोल रहे 45-40 के आसपास एवरेज आ रही है। अच्छा, मतलब जो इन लोगों ने खरीदा है वो काफ़ी खुश है। और एक्चुअली बाइक हैवी वैसे नहीं, गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और कलर तो आप लोगों ने पहले बता दिया, तो दो कलर है और मॉडल्स में भी दो मॉडल्स है, नेकेड और रिपेयरिंग वाले, नेकेड एन और ये। अच्छा, इसका प्राइस क्या पड़ा है? ये भी प्राइस 171,000 के ऑन रोड विद रजिस्ट्रेशन। अच्छा, जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई था आप बोले थे कि 100% इस पर आप फाइनेंस कर रहे हैं। हाँ, वो अभी भी अवेलेबल है ना, अभी भी 100%। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 100% आपको इस पर फाइनेंस मिल जा रहा है। आप लोगों को प्रेशराइज करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यदि डाउन पेमेंट, मतलब आपको डाउन पेमेंट का चिंता करना ही नहीं है, आपको सिर्फ EMI का टेंशन लेना है। और आइए, आप अपनी बाइक को लेकर जाइए, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बराबर। चलिए, थैंक यू।